हेलो एवरीवन, दिस इज अजय हेयर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्री प्रो बुलेट जूफर मिक्सर। और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और जल्दी से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये जो ब्लेंडर मैंने मंगवाया है ये 3 जार वाला है, तो ये रहा इसका पहला जार। और उसके बाद एक और कैप, ये रहा इसका सेकेंड जार। और उसके बाद इसमें एक और बॉक्स है, तो इसमें हमारा ब्लेंडर है और इसे हम ओपन कर लेते हैं अभी। तो इसमें भी एक जार है, उसके बाद हमारा मेन जो ब्लेंडर है वो है, जो कि काफ़ी हैवी है। तो ये जो ब्लेंडर है 500 वाट की कॉपर वायर के साथ आता है और ये 22,000 RPM पे रन करती है। और इसे अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके साथ एक नोट है, तो इस नोट में ये लिखा हुआ है कि जब हम इस ब्लेंडर को फर्स्ट वीक यूज़ करेंगे तो इसमें जलने की बदबू आएगी, बट ये नॉर्मल है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन और वारंटी कार्ड है, और इसके अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो ये मिक्सर 3 जार और 2 ब्लेड के साथ आता है, तो मैं आपको ये सब दिखा देता हूँ ओपन करके पहले। और ये जो जार्स हैं अनब्रेकेबल हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये हमारा ग्लास जार हो गया, तो जब भी आप कोई स्मूथी या शेक बनाते हैं तो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। और ये जो जार है 500 ml है, तो ये हो गया हमारा पहला जार। और उसके बाद ये हमारा सेकेंड जार है जो कि 500 ml का है, और इसे आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 ब्लेड के साथ आता है और इस जार को हम जूस या स्मूथी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड जार। और उसके बाद ये हमारे पास थर्ड जार है, तो इसमें 2 ब्लेड्स हैं और ये जार ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होगा, जैसे आपने कोई मसाला ग्राइंड करना है या कोई स्वीट्स वगैरह ग्राइंड करने हैं। और इसके अलावा इसमें आप ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन हमारा ब्लेंडर, तो 5 फीट की ये वायर है जो यूज़ होने वाली है। और उसके बाद ये काफ़ी हैवी हमारे पास ब्लेंडर है, और इसमें मोड का कोई बटन नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। तो जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ये फुल पावर पे यूज़ होगा। तो अभी मैं एक जार को लगा के देख लेता हूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो ब्लेंडर पे 3 पॉइंट बने हैं और 3 पॉइंट हमारे जार पे बने हैं, तो तीनों को मैच करके हमें इसको फिट करना है। और इसे फिट करने के लिए हमें इसे प्रेस करके राइट की तरफ रोटेट करना है जब भी हमें इसे यूज़ करना है। तो इसे एक बार मैं ऑन करके देख लेता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो 1 मिनट यूज़ करने के बाद आपको इसे 2 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, और ऐसा मैनुअल में लिखा है। तो अभी हम इस ब्लेंडर को टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जूस वाले जार में जूस बनाने वाला हूँ, और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करूँगा मैं इस ग्राइंडिंग जार में। तो लेट्स डू इट नाउ। तो अभी मैंने इस मिक्सर में जूस भी बना के देख लिया है और ग्राइंडिंग भी करके देख ली है, और जो दोनों ब्लेड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो जूस है वो कुछ ही सेकंडों में बन गया था। और जब मैंने ग्राइंडिंग की है तो मैंने कुछ काजू बादाम ग्राइंड किए हैं और इनको भी सेकंड्स लगे हैं ग्राइंड होने में, और ये प्रॉपर पाउडर फॉर्म में आ चुका है। तो जो ब्लेंडर है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और सिंगल पर्सन के लिए बेस्ट रहने वाला है। और अभी मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, तो ये मुझे अमेजोन पे पड़ा है 2,000 रुपये का, और इसका जो बाय लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप वहाँ पर जाके इसे बाय कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।